नमस्कार दोस्तों, मैं निलय की स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल द नेगी में। आज हम ग्राम बिक्कावाला इस्लाम नगर पंचायत ब्लॉक अफजगढ़ के प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट और सेकंड में विजिट करने आए हैं और चेक करने आए यहां की स्थिति, जो मिड डे मील की क्या व्यवस्था है, साफ़ सफाई स्वच्छता का क्या ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर जो है टॉयलेट्स की साफ सफाई कैसी है और शिक्षा की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के निरीक्षण में हमारे साथ हैं हम पूर्व प्रधान विजेंद्र मामा जी और ज्ञान सिंह चाचा जी, और हैं सुबदार जी हैं हमारे, सुनील दत्त, और हमारे पूर्व प्रधान हैं पृथ्वी चौहान जी, चौहान मयाल, पृथ्वी मयाल जी। चलो आ जाओ मजाक कर रहे हैं, हम आ चुके हैं अपना इस्लाम नगर पंचायत में ब्लॉक अफजलगढ़ के प्राथमिक विद्यालय और ये प्राथमिक विद्यालय का हम जो है अपने इस स्कूल का विजिट करने आए हैं। ये देखो ये और चला करना है कि यहाँ की मिड डे मील साफ सफाई और पीने का पानी, बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था है। एक भी देखो आंगनबाड़ी केंद्र देखो कब क्या हाल है। ये आंगनबाड़ी कक्षा देखो टूट गया ही सारा। सर आपका मिड डे मील का क्या सिस्टम है? मिड डे मील बनता है कितने बजे सर होता है बच्चों को? 10:30-11 बजे। अच्छा, कौन है मिड डे मील बनाने वाला है यहाँ पे? लता है, यहाँ के रहने वाले कौन? अच्छा, सदानंद। ओके, तो कितने बजे तक मतलब टाइमिंग है सर्व करने का? 10:30-11 बजे इंटरवल का टाइमिंग होता है। अच्छा, तो आज के मील में क्या बना हुआ? आज सब रोटी है, रोटी के बाद। अच्छा, तो ये मील डेली चेंज होती है या चेंज अच्छा मेन्यू वहाँ लगा हुआ है? ऐसे ही बताओ, दिखाएंगे मुझे मेन्यू क्या है? फिर वो विचारे कितनी है? अच्छा वो तो ऊँची बटन पर देखा कच्चे। अच्छा, ये भी नहीं, एक बार पीछे देखो मैंने डाला था काफी जो रोटी सोयाबीन अथवा दाल नहीं है जो सब ये इसके हालत दिखा देते हैं ना। सोमवार की सोमवार बच्चे मतलब मंगलवार को छठवा वाला डाल देते हैं और इसको ना डाल के अच्छा मां नौ के हो गए इसके छठ छठ का भी दिखा देना। ये सब मिट गया, ये टाइम बाद लगी थी ना। हां जी, उस काम करते सब मिट गया। ठीक है, और फल का तो कहीं है रसोई के करते थे रसोई घर खादा ने सब्जी खिलाया पापड़ भी है दूध के साथ मिलता है गुरुवार से। ठीक है, राविंदर आप यहाँ पीने के पानी क्या सुविधा है? अच्छा, कोई आरओ सिस्टम या फिल्टर कोई लगा हुआ है? ठंडे पानी की व्यवस्था है? कोई वाटर कूलर डिस्पेंसर है? ताजा पानी चलता है। नहीं तो वाटर कूलर डिस्पेंसर की व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? कोई आरओ सिस्टम नहीं लगा हुआ है? ताजा पानी तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार द्वारा बनाया गया है कि वाटर कूलर है या वाटर डिस्पेंसर है या ये आरओ सिस्टम है जिससे कि पानी मतलब ये तो आ ही रहा है पानी। प्राथमिक विद्यालय में कहीं भी आरओ नहीं लगा हुआ है, कहीं भी नहीं अपने गांव में या नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से जो ग्राम के अंदर जो विद्यालय है बच्चे तो वो पंचायत के थ्रू जो है आप पंचायत में जो नहीं हमें जानकारी है ना, मैं बता रहा हूँ आपको जानकारी होगी। आप जानकारी आप मेरे जानकारी नहीं है, आप जानकारी लेनी चाहिए ना आपको। गुरुजी हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, हम भी गाँव के वासी हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपके स्कूलों के लिए जो है गवर्नमेंट से आरओ सिस्टम आता है पंचायत के थ्रू, तो आप लोग अगर नॉलेज में नहीं है तो आपको नॉलेज में आना चाहिए, और नहीं लगा हुआ तो आप डिमांड कर सकते हो आरओ सिस्टम अपने स्कूल के लिए। ठीक है सर, इसमें भागने की जरूरत नहीं, हम तो ये बोल रहे आपको जो हमारे गांव में यहाँ सचिव बैठते हैं तो एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हमारे आरओ सिस्टम लगवाना है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वाटर कूलर लगवाइए आप, आप एप्लीकेशन दीजिए। इसके अलावा लगता है आरओ सिस्टम मिलता है? मैंने तो चेक किया था, मैंने आरओ देखा है। नहीं देखा होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप आ गए ना, नियम बता रहे हैं हम आपको अरे ये हम आपको आरओ सिस्टम भी दिखा देंगे, खाने वगैरह भी दिखा सकते हैं ना हम आपको, और क्या सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी है ये ज्ञान आपको होना चाहिए ना। नहीं
नहीं नहीं बच्चे चाहे एक हो चाहे हाँ, दस हो चाहे पचास हो हाँ, आरओ सिस्टम तो कोई कंपलसरी है, इसका कोई रेशो तो है नहीं। मेरा मास्टर जी आपसे अगला कि यहाँ स्कूल परिसर की सफाई जो है हफ्ते में कितनी बार की जाती है, इसकी शिकायत ही आगे नहीं की, कितनी हफ्ते में कितनी बार करने आता है? कल आया था वो योगेंद्र जी, कल परसों आया था। कितने दिन में आया था? आया था हफ्ते में एक दो बार आया था। हफ्ते में एक दो बार आ जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके बुलाते हैं या कैसे आते हैं? फोन कर लेते हैं, जब आते फोन कर लेते हैं। देखो सफाई दिखाओ, ये सफाई है हमारे कर्मचारी। नहीं नहीं वहाँ के मैंने उधर क्या सफाई है, ये सारी गंदगी है यहाँ, वो कहते नहीं दवा नहीं पड़ता, दवा नहीं पड़ो, ये है ना ये पड़े ये सारी। ये कब करके गया था मास्टर जी यहाँ सफाई? परसों आया था। अच्छा, ये सब व्यवस्था यहाँ की, ये सब पड़ा हुआ गड्ढे बच्चे गिरेंगे उसमें कहीं। ये सफाई का हाल है यहाँ। एक और जगह भी स्कूल है, टीचर टीचर को इनाम मिल रहा है, वो कर रहे हैं, मतलब यहाँ का कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं। ये टॉयलेट है, ये विकलांगों विकलांगों के लिए है वो। ये झाड़िया हो रही है स्कूल में, अनावश्यक बना रखे हैं। ये सफाई करने बेल बाल दिखा है जी, कराने वालों ने सफाई करना, और ये विकलांग के लिए बना तो रखा है, सरकार के द्वारा सब चीज मिल रहा है, लेकिन ये है इसका पीछे प्लस्तर नहीं, क्या भाग ले अभी चल रहा काम हो गया। मुझे मास्टर जी मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे स्वच्छता के बारे में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, और आपको लगता है कि स्वच्छता का सही ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे? सही ध्यान रखा है तो ये आपके हिसाब से सही है सफाई? हमारे साथ तो बहुत गंदगी। मास्टर जी आपकी अगर आपके यहाँ पे सफाई नहीं हो रही तो कम से कम हमें तो बता सकते हैं, प्रधान जी को तो फोन कर ही रहे हैं आप जी, तो आपने दिखाया नहीं कभी इनको कि ये आपने दिखाया नहीं ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं सफाई के बारे में? उनसे इंस्ट्रक्शन कर, गाड़ी लेके नहीं आया था वो, क्यों नहीं आया फिर? सफाई और क्या ना, बेल चल देखो ये कह रहे सफाई है, हाँ गुरु जी कह रहे हैं सफाई, मैंने आया था आ रखा है क्या सफाई? आज तक हाँ दर्शन दिए चल गया, कई महीनों से पढ़ा है, बहुत ढीली व्यवस्था है सफाई की, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे अगर इसके लिए। स्कूल या हमारे एरिया का साफ होगा, साफ सफाई होगी तो ऑलरेडी स्वच्छ विचार आएंगे और अच्छे काम के लिए प्रेरित होंगे। अच्छा, इसमें ना आप लोगों की बैठने की क्या व्यवस्था है मास्टर जी? बच्चों के बैठने की व्यवस्था और आप लोगों के बैठने की व्यवस्था क्या है? दिखाइए दिखाइए एक बार, एक मैं आंगनबाड़ी वाले हैं चलिए आ जाओ देख लो। तीस पैंतीस होंगे तो चढ़े वो हो रहा ना। हाँ हाँ कोई ना ना ठीक है, उधर के ना ना जो करके भेज दे, उसमें भी साल भर लग गया उन्हें ढाके ढाके उधर, अब के क्या होते हो महान दार्शनिक में से एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिन्होंने दुनिया को भारत से दर्शन शास्त्र से परिचय कराया, जिन्होंने दर्शन शास्त्र और धर्म पर कई किताबें लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1947 से 1949 तक सर्विस
विधानसभा के सदस्य के तौर पर काम किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 10 साल तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला, फिर उन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव मिला। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। देश के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नहीं, अरे सब नहीं, हमने ऐसा है, मैं बताऊं, 62 पाँच एक 61-62 में उत्तरा इसी के अंदर पढ़ते थे, क्या नाम है, पंचायत घर के अंदर। ये तो तुम्हारा 70 के बाद कभी हुआ होगा पीने का पानी का चल रहा है। तो गलत ही है, ये तो पहले यहाँ सारा खाली था, रामला होती क्या मंडी है, ये तो बाद 70 में भी नहीं, उसके बाद बनाए बड़ी सोयाबीन की सब्जी। ये 70 में नहीं, 73-74 में यहाँ पर स्टेज था हमारा, रामला लगा यहाँ, वो रावण भेजा था। ये 80 की कल लगभग की है, ये 75-80 में लगा लो, इसी का पूरा सारी पढ़ाई तो हमने वही की। वाला देखो ये है, स्कूल के बारे में, अरे बताना चाहे क्या, सबकी तबकी बनी हुई स्कूल है। 1957 की बनी बिल्डिंग है ये। हाँ, जबकि लगभग मुझे लग रहा है 80 के करीब की। अच्छा, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली 57 में, तो हमने साल 62 तक तो पंचायत घर के अंदर वहाँ पढ़ा, वहाँ से की। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें बिल्डिंग में, जर्जर स्थिति में है ये। छत देखो, छत ले लो, तो इसके नीचे क्लासेस चलती है क्या? ना ना ना, ये तो सब वो हो गया, गिरने की वजह से बच्चों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको बंद कर दिया। कभी भी गिर जाएगी इसकी छत देखो। अच्छा, ये साइड में देखो, एंगल दिखाई दे लेता, तो ये जो है दूसरी क्लास है, इधर वाला फोन चल रहा है। हां, लड़ाई बात ये आंगनबाड़ी का कुछ तो होगा सारा, ये खाली पड़ा हो क्या? ऊपर देखो, ये पूरा झड़ रहा ऊपर से ना, ये मेंटेनेंस मांग रही बिल्डिंग की। हो गया इसका मतलब, वो खत्म कर दो बिल्डिंग, जो लाइफ है वो खत्म हो गया। ये जो खाई नहीं है, इसके बीच में दीवार पड़ गई। हां, ये एक और दर्द से बीच में दीवार पे क्या है, मतलब इसकी कितनी खराब कंडीशन होते हुए भी इसमें लाखों रुपए का काम करवा दे, टैक्स लगवा दे, ये जानते हैं केवल अधिकारियों को अपने पैसे से मतलब। हां, तो वही थे वो, वही जो है हालत बिल्डिंग में देख के चुक वाली। जब छत जो है इसकी गिरने वाली है, तो इसके नीचे का सब जगह कर रखा है, ऊपर तो टूट रहा है और नीचे उधर उधर प्लास्टर का क्या पीछे किया नहीं। तो ये हालात हैं हमारे प्राथमिक विद्यालय भिक्का वाला प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट की, जो कि इस्लाम नगर पंचायत में ब्लॉक अधरड़ के अंतर्गत आता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ जो है अपने बड़ों से ये सवाल है कि वो स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा की जो स्थिति है उससे क्या खुश। जो हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट है, ग्राम भिक्का वाला, इस्लाम नगर पंचायत में अधरड़ ब्लॉक के अंतर्गत, तो आप इससे सेटिस्फाइड हैं सर? कोई सेटिस्फाई नहीं है, सब व्यवस्था पहली है जी, लगता नहीं कि स्कूल है यहाँ, तो सारी झाड़ ढूंढे गड्ढे देखे नहीं भरे, ये है इससे नहीं लगता है, तो ये लग गया कोई मतलब वो जो गौशाला है वहाँ जानवर उसके लिए हुए जी भाई, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है जी। आपका कुछ क्यों नहीं देखता, किसका दायित्व है हालत के बारे में? हालत के बारे में तो ये है कि जैसे लेंटर है, तो लेंटर की हालत तो बहुत खराब है, कभी भी टूट सकता है जी, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्कूल में लाखों रुपए का काम करवा दिया, टाइल्स टूल्स लगवा दिए, जबकि इनका लगना बेकार है, जब लेंटर सही नहीं है तो टाइल्स लगवा के क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, मामा जी आप कुछ कहना पानी की व्यवस्था के बारे में, जो यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे आरओ सिस्टम का अप्रूवल आया होना चाहिए बच्चों के लिए, तो होना चाहिए इसका, दोनों में प्राथमिक विद्यालय फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालय सेकंड, दोनों में आरओ का प्रोविजन है, इनका पेमेंट आया हुआ है, अगर पेमेंट है इसकी जांच कराई जाए, तो पता ही नहीं है तो खरीदार कहाँ गया जी,
अभी नहीं तो पूछनी चाहिए। सच्ची बात है, प्रधान आता है हमारे, जब आपने एक बार इनसे कहा भाई यार काम पे सच्ची बात, यहाँ पे ग्राउंड पे आपने कहीं इंटरलॉकिंग देखी है क्या? इंटरलॉकिंग की बिलिंग हो चुकी है स्कूलों के नाम पे, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। अब सरकार में जो लोग ज्ञानी है सब सोच समझ के आर ओ का प्रावधान स्कूलों में रखा गया होगा, जिससे कि बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तभी उनका मानसिक विकास होगा आगे को, और वो अच्छी सोच के साथ समाज का और गाँव का विकास करने में और देश को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा कर सकते हैं जी। अगर ऐसी अगर दीवारों व्यवस्था रही तो जब खुद ही आदमी ठीक नहीं है तो वो दूसरे के बारे में, भाई समाज का फ्यूचर आने वाले बच्चे ही होते हैं, तो जब इनकी शिक्षा अच्छी होगी, इनका जो है मानसिक जो है डेवलपमेंट सही होगा, तभी जो है समाज आगे बढ़ेगा और समाज का विकास भी होगा। चले फिर दूसरे स्कूल में चले फिर। चलो ये को तो बनवा देते हैं सेक्रेटरी से झंडे का। हाँ खाने का, खाने का मीटिंग भी लेकर झंडे का ये अब बच्चा आप बना कैसे नहीं बनाया था? क्या नाम है आपका? नीचे बच्चे को बिठाना पड़ता है। रोटी सब्जी बना रहे? आलू की सब्जी बन रही है। ठीक है, और इस पे क्या बना रहे हैं? अच्छा इसमें बनाऊंगा। तो ये जो वेजेस आती हैं यहाँ पे सब फ्रेश? कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी हो तो? परेशानी तो नहीं है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था है यहाँ। और ये क्या करते हैं? तो सूचना तो मैं अभी जो है अपने व्यूअर्स को लेकर आया। यहाँ पे क्या लिखा है? अपने गांव मेरे पास तो काला पेमेंट मिल जाए ना, सीएससी सेंटर है हमारा जिसमें कि एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है। बीमारियों का हुआ सफाया, क्लोरीन युक्त पानी घर आया, देखते हैं अंदर कहाँ आया। तो ये है इसकी व्यवस्था, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे जो आपको। भाई साहब क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम जी, लास्ट टाइम आप लोगों ने डिमांड किया था कि आपको जो है हर कैबिन में सॉकेट्स चाहिए, तो क्या वो सुविधा अरेंज हो गई आपके लिए? सॉकेट लग गए आपके यहाँ पे? अभी नहीं लगे। तो आपको सचिव साहब ने क्या कहा था कि यहाँ पे लग जाएंगे? प्रधान जी ने कहा था, बोला था उन्होंने कि लग जाएंगे, अभी नहीं लगा। पानी की व्यवस्था हुई आपकी? कैंपर कहाँ से लेके आ रहे हो आप? कैंपर जी घर से लेके आ रहे हो? कैंपर, ये कैंपर लेके आते हैं। घर कहाँ पर है आपका? चूड़ वाले से कैंपर भर के लेके आते हो आप? अच्छा, कैंपर आपका पर्सनल घर घर से लाए हो आप? पानी यहाँ से, यहाँ से कहाँ से? मंदिर के सामने पोस्ट ऑफिस के पास, यहाँ से करीब 100-150 मीटर पे। ठीक, तो जयाल जी आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में? भाई साहब आप एक राउंड लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर लोड कितना है। अच्छा, तो मेरे पंखों की संख्या कितनी है? 5, 6 फैन। 6 फैन? 6 फैन है केवल। बगल वाले कमरे में, हाँ सुनिए, हाँ बगल वाले कमरे में सीसीटीवी कैमरास, हाँ उनका डीवीआर बॉक्स, हाँ प्रिंटर, हाँ कंप्यूटर, हाँ ठीक है, हाँ और ट्यूबलाइट्स भी हैं। हाँ, छात्र जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्यूबलाइट्स की लगती हैं। हाँ, लेकिन है नहीं अभी, लगी है लगी है। ठीक है, एक एक लगी और कहीं? अच्छा, ये सभी का लगेगी? ठीक है ठीक है, आप यूज नहीं कर रहे उसके भी लाइट की दिक्कत है? हाँ, तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर लोड जैसा हमने देखा है, बल्बों की संख्या, ट्यूबलाइट की संख्या, ये सब चल रहा है। हाँ, अब आप इधर आइए, ये इन्वर्टर मिनिमम 1 किलोवाट का होगा। हाँ, यानी हो सकता है 2 किलोवाट का भी हो। 1 किलोवाट ही होगा। तो 1 किलोवाट हो गया। हाँ, इसमें 24 वोल्ट का बैटरी सिस्टम है, 2 बैटरियां लगी हैं। ठीक है, 1 किलोवाट हो गई। और सर ऊपर इसके लिए जो सोलर पैनल की संख्या होती है वो मिनिमम 1 किलोवाट के पैनल होने चाहिए थे जी। ठीक है, क्योंकि बैटरी भी चार्ज करनी है, पंखे भी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन ऊपर जो मैंने देखा है बाहर से, क्योंकि छत पे लगे हुए हैं,
वो मैक्सिमम 250 से 300 वाट के पैनल है, सिर्फ दो छोटे पैनल लगाए हैं, दो छोटे पैनल हैं। आप बताइए, मैंने खुद देखा है, मैं यहाँ पढ़ने भी आता हूँ। यहाँ पंखे चलते रहते हैं, दोपहर के 2 बजे पूरी धूप में ये डाउन हो जाते हैं। अच्छा, इन बच्चों से हाँ, क्या सच्चाई है इसकी? इन्वर्टर डाउन हो जाता है आपका? इसके सिलसिले में आपने बताया था प्रधान जी को, उनको सचिव जी को बताया था आपने? कितने दिन हो गए बताए? काफी टाइम, लगभग 1.5 महीना हो गया। बात करेंगे भाई साहब। हाँ भाई साहब, गड़बड़ी कुछ नहीं है। हाँ। बात यह है कि जितना लोड यहाँ पर हाँ। इस लाइब्रेरी में लगाया गया है हाँ। और सिस्टम ये भी ठीक है, लेकिन पैनल के अंदर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कम से कम 1 किलोवाट के 100 पैनल लगने चाहिए थे, लेकिन 200 से 250 वॉट के पैनल लगे हैं। तो आप बताओ कि 24 वोल्ट का बैटरी सिस्टम 2 प्लेट से कैसे चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो पैनल है, हमारा जो है अपने प्रधान जी से और सचिव जी से यही कहना है कि इनकी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए और जल्द से जल्द की जाए। हर घर पहुंच रहा पीने का, स्वच्छ पहुंच रहा है। क्या कह रहे हैं सुनील भाई आप? मैं बोल रहा हूँ ऐड दे रखा है ब्लॉक की तरफ से हाँ। जल जीवन मिशन हर घर जल हाँ। बीमारियों का हुआ सफाया, क्लोरीन युक्त पानी घर घर आया। किसके घर आया पानी? कनेक्शन हुए नहीं यार साले, ये पहले क्यों छाप दिया ना इस पे? ये तो है, कराएंगे ना तुम कॉपी निकालना और प्रसाद सब लग। चलो पानी की व्यवस्था भी चालू नहीं हुई तो कहाँ से लिखवा दिए? हम आए हैं अपने ग्राम बिकावाला इस्लाम नगर पंचायत के अब्दुल ब्लॉक के बच्चन जी विद्यालय, वो है हमारे सेकंड मोहल्ले में गेट होके ये इस पार पड़ता है। चलो ठीक है, बंद कर।